हेलो बच्चों, कैसे आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर डीएन गुप्ता। और बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एनसीईआरटी का यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है बायोलॉजी, जो क्लास 11 की है। और इस चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। बच्चों, सबसे पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आज से हम लोग जो क्लास 11 की बायोलॉजी है एनसीईआरटी की, एक एक चैप्टर्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और प्रत्येक चैप्टर्स की एक एक लाइन में क्या लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है और कहाँ से क्वेश्चंस निकलते हैं, इन सभी का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर को जब आप स्टार्ट करेंगे तो इस चैप्टर में मेन कंटेंट्स क्या है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। इस चैप्टर में हमें स्टडी क्या करनी है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में स्टडी करनी है कि व्हाट इज लिविंग, कि लिविंग्स क्या होता है, इसके बारे में हमें समझना है। सेकेंड, हमें देखना है कि डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डायवर्सिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ स्पीसीज, ये जो इतनी सारी स्पीसीज है इस पूरी दुनिया में, इसके बारे में हमें स्टडी करनी है। डायवर्सिटी क्या है लिविंग वर्ल्ड में, इसका नंबर्स क्या है। थर्ड, हमें बात करनी है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की, कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती है। और लास्ट में हमें देखना है टैक्सोनॉमिकल एक्ट। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले समझना कि व्हाट इज लिविंग, लिविंग के बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है। सबसे पहले अगर आप देखें तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। आप देखते हैं कि जो लिविंग वर्ल्ड है कितना वंडरफुल है। आप इस लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या देखते हैं, आप देखें यहां पर आपको वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स आपको मिल जाएंगी। बहुत सारी स्पीसीज जो लिविंग है इस पूरी दुनिया में आप देखते हैं, वो आपको देखने को मिलेगी। Yes, और ये सारी की सारी स्पीसीज कैसी हैं, अमेजिंग हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स आपको देखने को मिलते हैं इस लिविंग वर्ल्ड में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब है कुछ ऐसे हैबिटेट हैं जहां पर बहुत ज्यादा ठंड है, पूरे का पूरा साल वहां बर्फ जमा रहती है। Yes, और वहां पर आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें, चाहे हम कोल्ड माउंटेन्स की बात करें, या हम डिसीडियस फॉरेस्ट की बात करें, या हम समुद्रों की बात करें, ओशंस की बात करें, फ्रेश वाटर लेक्स की बात करें, डिजर्ट्स की बात करें, या हॉट स्प्रिंग्स की बात करें, यहां पर सब कुछ आपको जो देखने को मिलेगा, यहां पर मिलेगा आपको कि यहां पर जो स्पीसीज है प्रॉपर तरीके से लिविंग है, अपना जीवन बहुत अच्छी तरीके से वो चला रही है। इसके अलावा जब आप इन सारे लिविंग स्पीसीज को देखते हैं ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स में, तो हमारे पास कोई शब्द नहीं रह जाता वर्णन करने के लिए। देखो प्रकृति कितनी अच्छी है, हर जगह जीवन आपको देखने को मिलेगा। सेकंड पॉइंट्स क्या कहता है, कहता है जैसे आप ब्यूटी देखिए गैलोपिंग हॉर्स की। गैलोपिंग हॉर्स का मतलब होता है सरपट दौड़ता हुआ घोड़ा। आप दौड़ते हुए घोड़े आप देखिए, यस, या आप देखिए जो ऐसी बर्ड जो माइग्रेट कर रही है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, या वन कंट्री से दूसरे कंट्री माइग्रेट कर रही है। वैली ऑफ फ्लावर्स को देखिए, या ऐसी सांप जो अटैक कर रही हो, तो तब आप देखेंगे तो आपको सिर्फ एक ही वर्ड आपके माउथ से आएगा कि वाह देखिए कितनी अच्छी ब्यूटी है नेचर की। अगर हम बात करें इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट की, या हम बात करें इनके बीच कॉपरेशंस की, किसके बीच कॉपरेशंस की, जो मेंबर्स हैं किसके, पॉपुलेशंस के मेंबर्स की बात कर लें, या कम्युनिटी के पॉपुलेशंस की हम बात कर लें, इवन अगर आप किसी सेल के अंदर आप देखें वहां पर कितना ज्यादा मॉलिक्यूलर ट्रैफिक देखने को मिलता है। मॉलिक्यूलर ट्रैफिक का मतलब है कि अगर आप सेल के अंदर देखें तो कितने तरीके के मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, लिपिड भी है, इवन उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स भी हैं। तो ये सब आप जब देखते हैं तो आपको लगता है कि अरे वाह नेचर ने क्या क्या चीजें बनाई हुई है। Yes, लेकिन जब ये सारी चीजें आप देखते हैं तो आप देखें तो वास्तव में हमें ये समझना होता है कि क्या ये सारी जो चीजें हम देख रहे हैं क्या यही लाइफ है। तो ये क्वेश्चन वास्तव में दो अंतर्निहित क्वेश्चन अपने अंतर्गत रखता है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टेक्निकल क्वेश्चन है। इसमें यह कहा जा रहा है कि पहले क्वेश्चन के आंसर में हम ये ढूंढने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज लिविंग, कि लिविंग्स क्या होता है, अर्थात अगर कोई लिविंग है तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को वो प्रदर्शित कर रहा है, या वो कौन सी चीजें हैं जो अपोज करती हैं लिविंग
थिंग्स को, यस, या नॉन लिविंग से रिलेटेड कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन बच्चों ये फिलॉसफी का क्वेश्चन है, दर्शन का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हम ये ढूंढेंगे, इसका आंसर ढूंढेंगे कि वास्तव में लाइफ का पर्पस क्या है। तो जब ये सारी इतनी सारी ब्यूटीज आप देखते हैं नेचर में, तो एनसीईआरटी कहती है कि माइंड में दो क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई जो आप देख रहे हैं क्या ये सारी चीजें लिविंग है, या दूसरा क्वेश्चन आता है कि वास्तव में लाइफ का पर्पस क्या है। लेकिन चूंकि हम अगर हम साइंस की व्यू से देखें तो हमें पहले क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है, दूसरे क्वेश्चन पे हमें नहीं जाना, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं। तो यही एनसीईआरटी कहती है, एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन, हम सेकंड क्वेश्चन के आंसर को नहीं अटेम्प्ट करेंगे, उसको नहीं ढूंढेंगे। वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग, हम यहां पर यह जानने की कोशिश करेंगे कि लाइफ होती क्या है और लिविंग्स का मतलब क्या है। तो चलिए बच्चों, ये पहला पैराग्राफ हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अगर हम यहां पर क्वेश्चंस की बात करें तो यहां पर कोई भी क्वेश्चन आपका नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनने वाला है। क्वेश्चन जो बनेगा वो नेक्स्ट पैराग्राफ से बनेगा, जिस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि व्हाट इज लिविंग। तो चलिए बच्चों, सेकंड पैराग्राफ से अब स्टार्ट कर रहे हैं और जो भी चीजें लिखी हुई हैं एक एक पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं। यस, सेकंड पैराग्राफ जो कह रहा है ये लिविंग के बारे में बता रहा है, व्हाट इज लिविंग, और इसके आगे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्या कह रहा है ये पैराग्राफ, जरा इसको हम लोग समझ लेते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहला कह रहा है कि व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, जब हम कोशिश करते हैं लिविंग को डिफाइन करने के लिए, तो वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स पर ध्यान देते हैं जो आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। ओके बच्चों, सेकेंड क्या कह रहा है, अच्छा ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कौन कौन सी है, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स कह रहा है ग्रोथ है, सेकेंड कह रहा है रिप्रोडक्शन है, थर्ड कह रहा है एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंटल, थर्ड है, एंड फोर्थ है यस इंस्टिंक्टिवल रिस्पांस कम टू आवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एक्चुअली जो जिस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है वो कर रहा है ग्रो, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट्स, ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं। हम इसमें कुछ और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, वन कैन ऐड ए फ्यू, कुछ और फीचर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस टू दिस लिस्ट, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीस। तो बच्चों अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो कुछ चीजें हमारे माइंड में आती हैं, कुछ सिंपल कैरेक्टर्स आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट्स है, यस कुछ और हम जोड़ दें, मेटाबॉलिज्म जोड़ दें, एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लिकेट जोड़ दें, सेल्फ ऑर्गेनाइज जोड़ दें, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं। लेकिन माइंड में फिर एक बात आती है, क्या ये सारे वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके आधार पर हम लिविंग और नॉन लिविंग्स के बीच में क्या अंतर हम कर सकते हैं। आगे का पैराग्राफ क्या कहता है जरा इसको देखते हैं। कहता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पहली बात तो ये कहता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। ग्रो का मतलब मास में ग्रो करना या नंबर में ग्रो करना। तो ग्रोथ को हम दो टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। पहला क्या कर रहा है, इंक्रीज इन मास। पहला करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है ग्रोथ का, इंक्रीज इन मास। इंक्रीज इन मास का मतलब क्या है, उसका वेट बढ़ेगा, है ना, इंक्रीज इन मास। सेकंड कह रहा है इंक्रीज इन नंबर, मतलब उसकी संख्या बढ़ेगी। अगर एक सेल है तो दो बनेगी, चार, आठ, सोलह, बत्तीस बनेगी। अगर उसका अभी वेट पता चला एक किलो है तो चार किलो, पांच किलो, दस किलो हो जाएगा धीरे धीरे। यस, तो आप देखिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो पहली प्रॉपर्टी दिख रही है ग्रोथ, या हम उसको बोलेंगे ग्रो, इसमें दो चीजें आ रही हैं। पहला आता है इंक्रीज इन मास और दूसरा आता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसके, ग्रोथ के। अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें बच्चों, किसके रिफरेंस में, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर के बारे में, तो क्या कहता है नेक्स्ट जो पैराग्राफ है इसी का, क्या कह रहा है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में
जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है वो किसके द्वारा ग्रो करता है बच्चों? वो ग्रो करता है सेल डिवीजन के द्वारा। जब सेल डिवाइड होती है यस, तो उनका ग्रोथ होती है, उसमें ग्रोथ होती है। प्लांट्स के केस पे देखें तो जो ग्रोथ है किसके द्वारा हो रही है? सेल डिवीजन के द्वारा हो रही है। और ये ऐसी ग्रोथ है प्लांट में जो कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ, उनकी पूरी लाइफ में आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन एनिमल के केस में ऐसा नहीं है, अर्थात प्लांट के केस में ग्रोथ क्या है? अनलिमिटेड है। एनिमल्स में देखिए कहता है दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू ए सर्टेन एज, लेकिन एनिमल्स के केस में ग्रोथ आपको कुछ उम्र तक ही देखने को मिलेगी, पूरे जीवन आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। अगर हम बात करें सेल डिवीजन की, तो देखो सेल डिवीजन कहां पर देखने को मिलेगा? सेल डिवीजन का मतलब क्या है? सेल का डिवाइड होना। तो सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यू, कुछ निश्चित ऐसे टिश्यू हैं जिसमें सेल डिवीजन होता है, और इस डिवीजन से जो पुरानी सेल्स होती हैं उसकी जगह नई सेल्स आ जाती हैं। अगर हम यूनिसेलुलर बच्चों ऑर्गेनिजम्स की बात करें, और सेकंड हम बात करें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो यहां पर देखें ग्रोथ किस तरीके से अपने डिफिनेशंस को चेंज करता है। यूनिसेलुलर के केस में क्या कह रहा है कि यहां पर जो एक कोशिकी जीव है, मान लीजिए बैक्टीरिया है बच्चों, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में ग्रोथ कैसे होती है? सेल डिवीजन के द्वारा होती है। भाई ये बैक्टीरिया है, जब ये बैली फिशन करेगा तो एक से कितने बनेंगे? दो बैक्टीरिया बनेंगे। फिर दो से कितने बनेंगे? चार बैक्टीरिया बनेंगे। तो यूनिसेलुलर के केस में आप देखिए ग्रोथ को आप देख सकते हैं लैब में, माइक्रोस्कोप से देखेंगे कि जब सेल डिवाइड कर रही है तो एक से दो सेल बनी, दो से चार बनी, ठीक है। तो यूनिसेलुलर के केस में जो ग्रोथ है वो किससे होती है? सेल डिवीजन से होती है, जिसको हम प्रॉपर कहां पर विट्रो कल्चर में देख सकते हैं, और सिंपली हम उनकी सेल को काउंट कर लें। पहले आपको दो सेल दिखी, अब चार दिख रही है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर ग्रोथ हो रही है। जो नंबर है सेल्स के माइक्रोस्कोप में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर उनकी संख्या बढ़ रही तो हम बोलेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो रही है। लेकिन वहीं अगर आप हायर एनिमल्स की बात करें या हायर प्लांट्स की बात करें जो मल्टीसेलुलर हैं, यहां पर बच्चों ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कह रहा है ये दोनों अलग अलग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। यहां पर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग होता है, लेकिन यूनिसेलुलर के केस में आप देखें बाइनरी फिशन क्या है? रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है। तो यहां पर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही टर्म है, कहां पर? यूनिसेलुलर के केस में। लेकिन अगर केस मल्टीसेलुलर एनिमल का है या मल्टीसेलुलर प्लांट्स का है तो वहां पर आप ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग देखेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पर ग्रोथ किससे होगी? माइटोसिस से होगी, और रिप्रोडक्शन में जो गैमेट बनेंगे किससे बनेंगे? मियोसिस से बनेंगे। तो वहां पर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है मल्टीसेलुलर के केस में? एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। जबकि यूनिसेलुलर के केस में जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन बेटा इंक्लूसिव इवेंट्स होता है, मतलब हम उसको एक ही चंक्स मानते हैं। तो यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे क्वेश्चंस बनता है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यूनिसेलुलर के केस में क्या ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग है? तो क्या होगा आपका आंसर? यहां पर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग टर्म नहीं है बच्चों, एक ही टर्म है, इंक्लूसिव है। और मल्टीसेलुलर के केस में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में आ जाता है, तो आपको समझना है और सही पर टिक करना है। चलिए सेकंड क्या कह रहा है आपको एक चीज, वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसीडर्ड एज ग्रोथ। एक चीज आपको यहां पर मल्टीसेलुलर के केस में क्या देखने को मिलेगा कि यहां पर आप जब ग्रोथ की बात करेंगे तो ग्रोथ किससे समझेंगे? अगर बॉडी मास बढ़ रहा है तो हम कहेंगे ग्रोथ हो रही है, मतलब नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, या बॉडी मास बढ़ रहा है तो हम बोलेंगे ग्रोथ हो रही है। लेकिन वहीं अगर आप नॉन लिविंग्स की बात करें तो यहां पर भी आप देखें, यहां पर भी आपको ऑब्जेक्ट ग्रो करते हुए मिल जाएंगे, और जब ये ग्रो करेंगे तो इनका भी बॉडी मास बढ़ेगा, यस, एज ए क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। और आपको पता है अगर हम बॉडी मास की बात कर रहे हैं तो वो भी क्राइटेरिया किसके अंतर्गत आता है? ग्रोथ के अंतर्गत ही आता है। लेकिन आप देखिए एग्जांपल क्या कह रहा है, कैसे जैसे कह रहा है कि सपोज दैट ये बच्चों एक मान लीजिए माउंटेन है, यस,
अब माउंटेन में आप धीरे धीरे आप देखिए, यहां पर अगर स्नो फॉलिंग हो रही है तो धीरे धीरे क्या होगा, स्नो यहां पर जमा होती जाएगी और धीरे धीरे इसका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहां पर भी तो इंक्रीज हो रहा है मास। दूसरी तरफ आप देखिए कि मान लीजिए कोई रेगिस्तान में एक टीला है, यस, और यहां पर सैंड पार्टिकल्स आकर धीरे धीरे इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है बच्चों, तो इसका भी तो धीरे धीरे मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एक चीज आप देखिए कि नॉन लिविंग्स में जो मास इंक्रीज हो रहा है वो यहां पर चीजें एक्यूमुलेट हो रही हैं, ऊपर जम रही हैं, तो इसका मास बढ़ रहा है। लेकिन लिविंग्स के केस में क्या होगा कि ग्रोथ अंदर से होगी, सेल डिवाइड होगी तो ग्रोथ होगी। तो यहां पर यही एनसीईआरटी आपको बता रही है, वो क्या कह रही है कि आप देखिए माउंटेन्स के केस में बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स डू ग्रो, वो भी धीरे धीरे अपना साइज को बढ़ाते हैं। लेकिन दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, लेकिन ऐसी ग्रोथ कैसी है जिसमें बाहर से ग्रोथ हो रही है, बाहर से चीजें एक्यूमुलेट हो रही हैं, तो हम ये जो बाहर से ग्रोथ जो हो रही है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नॉन लिविंग का है। जबकि लिविंग में ग्रोथ कहां से होगी, अंदर से होगी, जिसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक ग्रोथ हो रही है। क्या बोलेंगे इसको, इंट्रिंसिक ग्रोथ हो रही है। और नॉन लिविंग के केस में इस ग्रोथ को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो ये टर्म्स याद रखिएगा बच्चों, नॉन लिविंग्स के केस में ये होगा एक्सट्रिंसिक टर्म आएगा, और लिविंग के केस में ये टर्म आएगा अंदर से ग्रोथ होगी, जिसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक ग्रोथ। तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होगा नॉन लिविंग के केस में और इंट्रिंसिक ग्रोथ होगा लिविंग के केस में। ठीक है बच्चों, यही कह रहा है कि यहां पर क्या होगा नॉन लिविंग केस में कि मटेरियल ऊपर एक्यूमुलेट हो जाते हैं और मास को बढ़ा देते हैं। जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप देखिए कि ग्रोथ कहां से होती है, अंदर से होती है, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, इसलिए देयरफॉर कैनॉट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। यही कारण है कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करते हैं तो ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानते। इतनी सारी कहानी एनसीईआरटी के बताने का मतलब सिर्फ यही है कि आपको समझाया जा सके कि अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि ग्रोथ क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, तो आपको क्या बोलना है कि ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ग्रोथ आपको नॉन लिविंग्स में भी देखने को मिल रही है बच्चों। तो हमको उन्हीं प्रॉपर्टी पर ध्यान देना है जो सिर्फ लिविंग में मिलती है, नॉन लिविंग में नहीं मिलती है। क्लियर है? तो लास्ट में क्या कह रहा है, तो कंडीशंस अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एक्सप्लेन्ड एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग सिस्टम, ए डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। और आप जानते हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो नहीं करते हैं। तो इतनी बड़ी कहानी का मतलब क्या हुआ, फाइनली ये हुआ कि ग्रोथ एक डिफाइनिंग फैक्टर नहीं है। और सेकेंड जिस फैक्टर्स की हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, वो सेकेंड है हमारा रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन तो को अगर हम कहें कि क्या रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है, तो बच्चों याद रखिएगा रिप्रोडक्शन भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं होता है। लेकिन रिप्रोडक्शन के बारे में एनसीईआरटी कह क्या रही है, क्यों रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानते, इसको भी हम लोग यहां पर क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि क्या कह रहा है कि रिप्रोडक्शन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स है। मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि यहां पर प्रोडक्शन होता है प्रोजेनी का, यस, और ऐसी प्रोजेनी जिसमें वो सारे फीचर्स होते हैं जो उनके पेरेंट्स में देखने को मिलते हैं, भले ही वो फीचर्स कुछ लेस सिमिलर हो या बिल्कुल एक जैसे तो नहीं होते, क्योंकि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो एक जैसे नहीं होगा, वेरिएशंस होगा। लेकिन रिप्रोडक्शन भी आपको दो तरीके का देखने को मिल रहा है, एक तो मिल रहा है एसेक्सुअल और दूसरा मिल रहा है सेक्सुअल। तो आप देखिए क्या कह रहा है कि इन वेरिएबल एंड इम्प्लिसिटी रिफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर मियोसिस हो रहा है और मियोसिस पे आप जानते हैं वेरिएशन का सबसे मुख्य कारण है, जिसकी वेरिएशन है इसी वजह से यहां पर आपको इवोल्यूशन भी देखने को मिलता है। ऑर्गेनिज्म जो ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो एसेक्सुअल भी रिप्रोड्यूस होते हैं, मतलब वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत ही है, बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय बडिंग के द्वारा भी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे अगर आप फंगी का आप केस देखें तो फंगी कैसे मल्टीप्लाई करती है, आपको पता है उसमें मिलियंस ऑफ स्पोर्स आपको देखने को मिलते हैं जो इजिली स्प्रेड हो जाते हैं
और जब नया स्पोर कहीं नई जगह पर गिरता है तो वहां से एक नई फंगी निकल आती है, फंगी ग्रो कर जाती है वहां पे। लोअर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, जैसे ईस्ट की बात कर लें यूनिसेलुलर है, हम हाइड्रा की बात कर लें ये भले ही मल्टी सेलुलर हो, तो हम ऑब्जर्व करेंगे यहां पर आपको बडिंग के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। प्लेनेरिया के केस में आप देखें, प्लेनेरिया जो कि एक फ्लैट वर्म का मेंबर है बच्चों, और प्लेनेरिया में आपको ट्रू रीजनरेशन देखने को मिलता है। ट्रू रीजनरेशन का मतलब होता है बच्चों कि अगर मान लें कि ये प्लेनेरिया एक ऑर्गेनिज्म है तो इसका कोई भी पार्ट अगर टूट के अलग हो जाएगा तो इससे एक नया प्लेनेरिया बन जाएगा। तो अगर कोई भी बॉडी का पार्ट टूट के अलग हो और उससे एक नया प्लेनेरिया अगर बन जा रहा है तो हम बोलते हैं कि ये ट्रू रीजनरेशन है। तो प्लेनेरिया के केस में आपको देखने को मिलता है, कोई भी फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम ए न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ट्रू रीजनरेशन का मतलब क्या है कि प्लेनेरिया का कोई भी पार्ट टूट के अलग होगा उससे एक नया प्लेनेरिया बन जाएगा। फंगी के केस में आप देखें, यहां पर देखिए चाहे फिलामेंटस एल्गी की बात हो या मॉसेस में प्रोटोनिमा की बात हो, सभी इजिली मल्टीप्लाई करते हैं किसके द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर उसका कोई भी पार्ट टूट के अलग हो जाता है और उससे एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन, जो आपको एल्गी के केस में भी देखने को मिलेगा, फंगी के केस में भी देखने को मिलेगा। लेकिन जब वही हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, अगर हम बैक्टीरिया की बात कर लें तो वहां पर आप देखें, जैसे बैक्टीरिया की अगर हम बात कर लें और या हम यूनिसेलुलर एल्गी की बात कर लें या हम अमीबा की बात कर लें, तो यहां पर आप देखेंगे बच्चों कि रिप्रोडक्शन सिनोनिम्स टर्म हो जाता है, मतलब रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक ही हो जाता है, इंक्लूसिव टर्म है। लेकिन अगर हम मल्टीसेलुलर की बात करें तो वहां पर रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों अलग अलग चीजें हैं, यही एनसीईआरटी यहां पर बता रहा है। कह रहा है जैसे कि आपको पता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स या ग्रोथ की हम बात करें तो यूनिसेलुलर के केस में चाहे अगर हम बोले कि ग्रोथ हो रही है तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इसके नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो यहां पर ग्रोथ ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है, एक ही टर्म है, और मल्टीसेलुलर के केस में क्या है, दोनों अलग अलग टर्म्स है। नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा, वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड, जैसे कि हम पहले ही ग्रोथ के बारे में डिफाइन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और यहां पर हमने क्या पढ़ा था कि अगर इंक्रीज हो रहा है सेल के नंबर में तो इसका मतलब है ग्रोथ हो रहा है, या अगर मास में इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ग्रोथ हो रहा है। इसके अलावा हम नोटिस करेंगे कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में जैसे बैक्टीरिया है, अमीबा है, ईस्ट है, तो यहां पर वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेस ऑफ दीज टू टर्म। तो यहां पर हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। यस, यहां पर क्या है, सिनोनिम्स टर्म है। बात अगर और हम थोड़ी सी आगे बात करें तो आप देखिए बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस या रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए म्यूल्स, म्यूल्स कैसे बनता है, डंकी और हॉर्स के बीच में जब मेटिंग होती है तो उसकी जो प्रोजनी होती है बच्चों उसको म्यूल बोलते हैं, हिंदी में इसको खच्चर बोलते हैं। तो खच्चर, खच्चर चूंकि स्टराइल होता है रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, तो ऐसा तो नहीं कि खच्चर लिविंग नहीं है, लिविंग है। तो दूसरा केस आप देखिए, जैसे आप स्टराइल वर्कर्स भी आपके केस में देखिए, या ऐसे ह्यूमन कपल्स होते हैं जो किसी कमी की वजह से वो प्रोजिनी को जन्म नहीं दे सकते हैं, हो सकता है सीमेन में जो स्पर्म है उसकी कमी हो या फैलोपियन ट्यूब में फीमेल में कमी हो, तो वो कैसे हो जाते हैं, स्टराइल हो जाते हैं। तो यहां पर देखिए लिविंग तो है लेकिन आप देखिए यहां पर रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि लिविंग नहीं है, इसीलिए रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं मानते हैं। क्लियर हुई बात, जिस तरह से हमने ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं माना वैसे हमने रिप्रोडक्शन को भी हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं मानते हैं। इसलिए रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वही एनसीईआरटी कह रही है, इसीलिए हम रिप्रोडक्शन को लिविंग्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं। ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन और रिप्लीकेटिंग बाय इटसेल्फ, भले ही आप कह ले कि भाई जो नॉन लिविंग्स हैं वो रिप्लीकेट नहीं कर सकते, अपने आप वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम यहां पर एक ही चीज बोलेंगे कि अगर हमें लिविंग की, लिविंग के बारे में बात करना हो तो रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है, जैसे ग्रोथ भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं था।
क्लियर हुआ बच्चों ये दो आपको पैराग्राफ। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और कुछ और डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, क्या वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं या नहीं है। दूसरा अनदर कैरेक्टरिस्टिक जो लाइफ का होता है वो होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का जो मतलब होता है वो होता है एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, उपापचय। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है जिसमें चीजें बनती हैं और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है जिसमें चीजें टूटती हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो जो मेटाबॉलिज्म है बच्चों, यस ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेगा। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे यस उस सभी में आपको मेटाबॉलिज्म देखने को मिलेगा। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसके बने हुए हैं, केमिकल्स के बने हुए हैं। और अगर केमिकल से बने हुए हैं तो केमिकल रिएक्शन उसके अंतर्गत होगी। और केमिकल रिएक्शंस भी दो तरीके की है, ऐसी रिएक्शन जिसमें चीजें बन रही है हम उसको बोलेंगे एनाबॉलिज्म, और जिसमें चीजें टूट रही है उसको बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। तो ये जो केमिकल्स होते हैं, चाहे वो केमिकल छोटे हो या बड़े हो, ये अलग अलग वेरियस क्लासेस से बिलोंग कर सकते हैं, उनका साइज अलग हो सकता है, इनके फंक्शंस अलग हो सकते हैं। कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमॉलिक्यूल्स, और जब ये रिएक्शंस होती है तो कुछ दूसरे बायोमॉलिक्यूल्स में ये चेंज हो जाते हैं। ये जो कन्वर्जन आपको देखने को मिलता है केमिकल्स का, केमिकल रिएक्शंस के दौरान, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये क्या हो रहा है, ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस है। ये जो थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस लगातार जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आप चल रही है, यस, और इसकी चलने की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको ग्रोथ देखने को मिलता है। सिंपल सी अगर हम बात करें बच्चों मेटाबॉलिज्म की, तो मैं एक चीज आपको यहां पर बोलना चाहता हूं कि अगर हम बात करें मेटाबॉलिज्म की, तो मैंने क्या बताया, मेटाबॉलिज्म बराबर एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। अब सोचो अगर एनाबॉलिज्म ज्यादा हो रही है और कैटाबॉलिज्म कम हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, यहां पर एनाबॉलिज्म अगर ज्यादा हो रही है और कैटाबॉलिज्म कम हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रही है। और अगर एनाबॉलिज्म कम है और कैटाबॉलिज्म क्या है, ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे, निगेटिविटी आपको देखने को मिल रही है। चलिए आगे क्या देखते हैं, हम जितने भी प्लांट्स और जितने भी एनिमल्स आप देखते हैं, चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, चाहे फंगी हो या माइक्रोब्स हो, सभी में आपको मेटाबॉलिज्म देखने को मिलेगा। मतलब मेटाबॉलिज्म एक कॉमन है और विदाउट मेटाबॉलिज्म कोई भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता है। इसीलिए मेटाबॉलिज्म को हम जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, जो सम टोटल है जितनी भी केमिकल रिएक्शंस आपको ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलती हैं या हमारे बॉडी में देखने को मिलती हैं, वो सब क्या है, मेटाबॉलिज्म है। चाहे वो रिएक्शन एनाबॉलिज्म हो या वो रिएक्शन कैटाबॉलिज्म हो, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आपको मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट्स करता हुआ नहीं मिलेगा। कहीं पर भी आपको मेटाबॉलिज्म देखने को नहीं मिलेगा जो नॉन लिविंग थिंग्स है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं अपने बॉडी के बाहर भी, या हम सेल्फली सिस्टम में भी डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। एक आइसोलेटेड जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है बॉडी के बाहर किसी ऑर्गेनिजम्स के, तो हम उसको एक टेस्ट ट्यूब में भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ना तो ये लिविंग है और ना ही ये नॉन लिविंग रिएक्शंस है। लेकिन यस जब यही रिएक्शंस बॉडी के अंदर होती है बच्चों, यस, और जब ये रिएक्शन बॉडी के अंदर होती है तो जीवन का एक कारण जरूर बनती है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, क्या कह रहे हैं, जबकि जो मेटाबॉलिज्म है ये क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, और इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, जबकि कुछ जगहों पे आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स। जब हम बॉडी के बाहर मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कराते हैं तो वो कैसी है, नॉन लिविंग है। लेकिन जब यही रिएक्शंस सेल के अंदर हो रही है तो वो लिविंग्स का कारण बनती है। यही पॉइंट्स कह रहा है एनसीईआरटी। नेक्स्ट पॉइंट को हम बात करें, देखो मेटाबॉलिज्म के बारे में एनसीईआरटी ने आपको ये बता दिया है कि जब भी आपका क्वेश्चन आए कि क्या मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग थिंग्स की, तो बच्चों आपको क्या बोलना है, यस ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अगर ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है,
अब हम बात करें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है भाई? आपको पता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक सेल के भी बने हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, चाहे बात हम एनिमल की करें या प्लांट की बात करें। तो जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है बॉडी का, ये भी एक डिफाइनिंग फीचर है किसका? लाइफ फॉर्म पर। जितने भी लिविंग थिंग्स आपको देखने को मिलेगी बच्चों, उसमें आपको एक चीज कॉमन मिलेगी कि सब के सब सेल के बने हैं, भले ही वो यूनिसेलुलर हो या वो मल्टी सेलुलर हो। मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर जो आपको देखने को सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है, वो फीचर है एबिलिटी टू सेंस, उनकी जो सराउंडिंग एनवायरमेंट है उसके प्रति रिस्पॉन्स दिखाना। इसको हम क्या बोलते हैं? सेंसिटिविटी। जैसे अगर मैं यहां पर हूं और मुझे अगर गर्मी लगे तो मैं क्या करूंगा? एसी स्टार्ट कर लूंगा। इसका मतलब मैंने क्या हुआ? मैं रिस्पॉन्स दिखा रहा हूं। तो ये प्रॉपर्टी कहां देखने को मिलेगी? लिविंग्स में। लेकिन अगर मैं बोलूं यहां पर कंप्यूटर रखा हुआ है और उसको अगर गर्मी लगे तो क्या वो एसी के लिए बोलेगा? नो। या कोई ऐसी चीज रखी है तो वो उसके प्रति रिस्पॉन्स नहीं दिखाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? ये जो रिस्पॉन्स है इन्वायरमेंट्स के प्रति स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल हो सकता है, केमिकल और बायोलॉजिकल भी हो सकता है। हम जैसे कि आपको पता है हम सेंस करते हैं अपने इन्वायरमेंट्स के रिगार्डिंग अपने सेंस ऑर्गन्स की मदद से। प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर लाइट्स के रेफरेंस में, वाटर के रेफरेंस में, टेम्परेचर के रेफरेंस में, और दूसरे ऑर्गेनिज्म भी ऐसा ही करते हैं। अगर हम पॉलिटेंट्स को भी एक रेफरेंस मान लेते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं प्रोकैरियोट से लेके मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट तक, आपको एक चीज कॉमन मिलेगी कि ये सभी आपको सेंस दिखाते हुए मिलेंगे अपने सराउंडिंग एनवायरमेंट्स के प्रति, रिस्पांस टू एनवायरमेंट्स। जैसे आप देखिए प्लांट के केस में फोटो पीरियड्स आपको पता है, फोटो पीरियड की वजह से फ्लावरिंग भी आपको वहां पर देखने को मिलती है। डिफरेंट डिफरेंट फोटो पीरियड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के लिए। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, क्या कह रहा है? प्रोकैरियोट से लेके यूकैरियोट तक सभी आपको सेंस दिखाते हुए मिलेंगे अपने सराउंडिंग एनवायरमेंट्स के प्रति। प्लांट्स की बात कर ले तो फोटो पीरियड इफेक्ट इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है। रिप्रोडक्शन इज सीजनल ब्रीडर्स, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स सभी में आपको ये प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं केमिकल्स इन entering their bodies, all organisms therefore are aware of their surroundings. जितने भी living organism हैं अपने surrounding environments के प्रति aware रहते हैं। Human beings की अगर हम बात करें, human beings ही सिर्फ एक ऐसा organism है जो कि अपने प्रति भी awareness रखता है, self consciousness रखता है। कॉन्सियसनेस, इसलिए कॉन्सियसनेस को भी हम एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज मानते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्सियसनेस, बच्चों ये तीनों डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं, ये तीनों डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं, और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है। एक मैं आपको सिंपल सा आपको फार्मूला दे देता हूं, GRM से क्या हो गया? गरम, और C। तो इस गरम सीसी बेटा याद रखना, इससे 5 पॉइंट आपको याद आ जाएंगे। गरम सीसी का मतलब क्या है? तो जी फॉर हो गया बच्चों ग्रोथ, आर फॉर हो गया रिप्रोडक्शन, एम फॉर हो गया मेटाबॉलिज्म, सी फॉर हो गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और सी फॉर हो गया कॉन्शियसनेस। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये दो आपको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस बच्चों तीन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होती है। तो मैंने एक छोटी सी ट्रिक दिया जिससे आपको ये 5 पॉइंट्स आपके माइंड में हमेशा रहेंगे और एक अच्छी तरीके से आप वहां पर अपने पेपर में डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां पर ट्रिक करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग ने क्या सीखा कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस ये तीन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होती है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें कॉन्शियसनेस पे, तो देखो बच्चों ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो आप देखिए जितने भी मोर डिफिकल्ट, तो यहां पर बहुत कठिन हो जाता है डिफाइन करना लिविंग स्टेट को। जैसे अगर हम बात करें, हमने ऑब्जर्व किया है कि यदि कोई पेशेंट कॉमा में चला गया है और हॉस्पिटल में है, आपको पता है अगर कोई पेशेंट कॉमा में चला गया है तो उसका ब्रेन क्या डेड हो चुका है। अब ब्रेन डेड है तो उसके अगल बगल
अगर आप आग भी जला दे तो कोई भी सेंस नहीं देगा, चाहे जितनी गर्मी हो चाहे जितनी ठंडी हो, वो सेंस नहीं देता, क्योंकि उसका ब्रेन क्या है, डेड हो गया है। तो ह्यूमन बीइंग के केस में ये जो सेंस वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा सा डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है, ये एनसीईआरटी कहता है, लेकिन फिर भी आपको ये जो अवेयरनेस है, ये जो सेंस है, वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। क्या कहता है, कह रहा है अगर हम ह्यूमन बॉडी को रिप्लेस कर दें मशीन्स के द्वारा, और उन मशीन में जैसे अगर हार्ट को पंप करने के लिए मशीन लगा दें, लंग्स को पंप करने के लिए मशीन लगा दें, फिर भी प्रॉपर तरीके से वो वहां पर वो, क्योंकि उसका जो ब्रेन है वो डेड है, तो रिस्पांस आपको वहां पर नहीं दिखेगा। वहां पर जो पेशेंट होता है, अदरवाइज द पेशेंट हैज नो सेल्फ कॉन्शियस, यहां पर कोई भी पेशेंट का आपको सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं दिखेगा। तो ऐसे पेशेंट्स को हु नेवर कम बैक टू द नॉर्मल लाइफ लिविंग और नॉन लिविंग, तो ऐसा पेशेंट पता नहीं ये नॉर्मल लाइफ में वापस आएगा या नहीं आएगा, तो यहां पर डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ह्यूमन बीइंग के केस में। लेकिन आप सभी प्लांट्स और एनिमल्स के केस में देखेंगे तो वहां पर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल क्लियर वहां पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कहता है हायर क्लासेस में, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कह रहा है हायर क्लासेस में जितनी भी लिविंग फिनोमिना है वो किसकी वजह से है, वहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट आपको रिएक्शन उनकी बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर देखने को मिल रहे हैं, उसकी वजह से जो प्रॉपर्टीज होती है टिश्यू की, जैसे टिश्यू का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, तो अब टिश्यू की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो देखो वो प्रॉपर्टीज कभी भी सेल के अंदर नहीं होती, लेकिन जब कई सेल इंटरेक्शन करके एक जगह पर आ जाती है तो आपको एक निश्चित प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है, तो ये आपको बड़ा अजीब लगेगा। वही एनसीईआरटी क्या कह रहा है कि जो प्रॉपर्टीज है टिश्यू की वो नहीं प्रेजेंट होती उन सेल्स के अंदर जिन सेल्स ने मिलकर टिश्यू को बनाया हुआ है। यस, वो प्रॉपर्टीज कब आती हैं, जब कई सेल मिलके इंटरैक्शन करते हैं, ग्रुप में टिश्यू बनाते हैं, तो वहां पर उस टिश्यू की आपको प्रॉपर प्रॉपर्टीज दिखती हैं। यस, उसी तरह सिमिलरली क्या कह रहा है, जो प्रॉपर्टीज है सेलुलर ऑर्गेनल्स की, सेलुलर ऑर्गेनल्स का मतलब क्या है, सेलुलर ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ऑर्गेनल्स बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन अमंग द मॉलिक्यूलर कॉम्पोनेंट्स कंप्राइजिंग द ऑर्गेनल्स। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट से मिलकर बना हुआ है, प्रोटीन है, लिपिड है, मिलकर बना है, तो प्रोटीन और लिपिड्स के अंदर आपको ये प्रॉपर्टीज नहीं मिलेगी, लेकिन जब ये मिलकर एक सेल ऑर्गेनल्स बना रही है तो वहां पर एक आपको निश्चित प्रॉपर्टीज ऑर्गेनल को देखने को मिलेगी। ठीक वैसे ही जैसे टिश्यू की, जो टिश्यू है ग्रुप ऑफ सेल्स है, वहां पर एक निश्चित प्रॉपर्टी उस टिश्यू की मिलती है, लेकिन वो प्रॉपर्टी पर्टिकुलर सेल के अंदर नहीं होती जो जो सेल मिलकर उस टिश्यू को बना रही है। वही चीज एनसीईआरटी यहां पर कह रहा है, कह रहा है ये जो इंटरैक्शन आपको देखने को मिलता है, ये जो इंटरैक्शन इमर्ज हो रहा है, यस, जो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जब हायर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है वहां पर इस तरीके की प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है, जो डिफरेंट डिफरेंट सेल के इंटरैक्शन में होने की वजह से होती है। ये जो फिनोमिना है इज ट्रू इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल। जब आप कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स की ओर बढ़ेंगे, यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर की ओर बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे देखेंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जा रही है। वहां पर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स जब टिश्यू का फॉर्म बनाते हैं तो टिश्यू में वो प्रॉपर्टीज आपको मिलती है जो अकेले एक सेल में देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इसलिए वी कैन से, हम कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे हैं, सेल्फ रिप्लिकेटिंग भी आपको देखने को मिलते हैं, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। धीरे धीरे कुछ ऐसी चीजें डेवलप हो जाती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिसकी वजह से ये एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स के प्रति ये अपना रिस्पॉन्स दिखाते हैं, सेंस दिखाते हैं, सेल्फ अवेयरनेस दिखाते हैं। तो बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी एक कहानी है किसकी, लाइफ की, जो आपको अर्थ में देखने को मिलती है। और बायोलॉजी क्या है, स्टोरी है इवोल्यूशन की, किसकी इवोल्यूशन की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इवोल्यूशन की, कहां पर, अर्थ में। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो अभी प्रेजेंट हो या पहले रहे हो या फ्यूचर में आएंगे, सभी एक दूसरे से लिंक हैं, वन अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ अ कॉमन जेनेटिक मटेरियल। सभी एक के पास आपको एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल मिलेगा जिसको आप डीएनए के नाम से जानते हैं।
तो सभी आप यहाँ पर सारी चीजें आप देख सकते हैं, लेकिन उसका जो जेनेटिक मटेरियल की जो डिग्री है वो वेरिंग हो सकती है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने जो लिविंग बर्ड आपका चैप्टर था, इस चैप्टर में हम लोगों ने ये सीखा कि पांच अगर हम पॉइंट्स की बात करें, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, इसमें से ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं मानते, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, यस, तीन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होता है। तो चलो बच्चों अब इससे रिलेटेड कुछ हम लोग एमसीक्यूज लगा लेते हैं, जिससे ये हमारे जो हम लोग ने पैराग्राफ्स पढ़े हैं इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो हमारा गलत ना हो और हम अपने आप को चेक भी कर पाए कि कितना हमने यहां पर समझा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम थोड़े से एमसीक्यूज भी देख लेते हैं।